गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे यू आर गोइंग टू स्टडी योर चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अबाउट फैमिली। आप फादर एंड मदर आर आर पेरेंट्स, वी ऑल लिव विथ लव। हमारे फादर और मदर जो होते हैं वो कौन है? हमारे पेरेंट्स हैं और हम सब एक साथ रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। फैमिलीज़ कैन बी डिवाइडेड इंटू, अब जो हमारी फैमिलीज़ होती है, जो फैमिली होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? सबसे पहले देखो फैमिली होती क्या है। फैमिली वो होती है जहाँ पे हम सब एक साथ मिलकर के रहते हैं बहुत प्यार से, राइट? सो फैमिली को उसी बेसिस पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल भी होती है और बिग भी होती है। तो देखो, शीना लीव्स विद हर पेरेंट्स, शी लीव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली। शीना अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी तो वो क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है। व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लीव टुगेदर, इट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। इट मे बी स्मॉल और बिग। जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक साथ रहते हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। वो स्मॉल भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है। सो देखो, स्मॉल फैमिली में कौन आते हैं? अ स्मॉल फैमिली हैज़ ओनली वन और टू चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। जो स्मॉल फैमिली होती है उसमें एक या दो ही बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं तो वो कहलाती है स्मॉल फैमिली। द नीड्स ऑफ द स्मॉल फैमिली कैन ईजीली बी मैनेज्ड, इट इज़ अ हैप्पी फैमिली। जो स्मॉल फैमिली की ज़रूरतें होती है वो ईजिली मैनेज हो जाती है, हम ईजिली देख सकते हैं। बिग फैमिली, अ बिग फैमिली हैज़ मोर देन टू चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। जब दो बच्चों से ज़्यादा बच्चे हो और पेरेंट्स रहते हो तो वो कहलाती है बिग फैमिली, और बिग फैमिली की नीड भी ज़्यादा होगी। सो इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज अ बिग फैमिली। तो बिग फैमिली को मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता है। अ बिग फैमिली एक हैप्पी फैमिली नहीं होती है। जॉइंट फैमिली, अ फैमिली इन विच पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन हाउस इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली कौन सी होती है? जिसमें पेरेंट्स के पेरेंट्स मीन्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वो होती है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में काफ़ी सारे रिलेशंस होते हैं। फादर्स पेरेंट्स आर आर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। जो फादर के पेरेंट होते हैं वो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं और ग्रैंडमदर होते हैं, दादा दादी। फादर के जो ब्रदर होते हैं वो हमारे अंकल होते हैं मीन्स चाचा। अंकल्स वाइफ इज़ अ आंट, अंकल की वाइफ हमारी आंट होती है मीन्स चाची। अंकल्स चिल्ड्रन आर अवर कजिन्स, अंकल के जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कजिन्स होते हैं। तो पेरेंट्स ऑफ अ पर्सन्स हस्बैंड और वाइफ आर कॉल्ड दैट पर्सन इन लॉज। अब जो पेरेंट्स होते हैं हस्बैंड के या किसी वाइफ के, तो वो हस्बैंड के और वाइफ के क्या लगेंगे जो इनके पेरेंट्स होंगे? मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। इन अ फैमिली वी शेयर थिंग्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम्स विद वन अनदर। हम फैमिली में फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स, हम क्या सोचते हैं, क्या आइडिया आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। My father works in an office and earns money to fulfill the basic needs of the family member. हमारे फादर जो होते हैं वो ऑफिस जाते हैं ताकि वो अच्छे से पैसे कमा सके और फैमिली की जो भी नीड्स है वो पूरी कर सके। My mother is a teacher. मेरी मम्मी टीचर है। She cooks meals for the family. और वो फैमिली के लिए अच्छा खाना बनाती है। I and my sister helps my parents in cleaning home and watering plants. मैं और मेरी बहन मेरी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं घर को साफ करने के लिए और पेड़ पौधों को पानी मिलाने के लिए। हम सब की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। हम एक दूसरे का सब एक दूसरे को नेम से बुलाते हैं। ईच ऑफ अस हैज़ अ स्पेसिफिक एंड यूनिक नेम। हम सब का एक स्पेसिफिक या यूनिक नेम होता है, जैसे कि वासु, उदय, विशाल, संभव, शीना, शर्मा एक्सेट्रा। अ फैमिली इज़ आइडेंटिफाइड विद अ कॉमन नेम सच एज कुमार। फैमिली अब जो फैमिली होती है उन सब का एक कॉमन नेम होता है जिसे बोलते हैं हम सरनेम, जैसे कुमार है। अ कॉमन नेम इज़ फॉलोड बाय अ सरनेम लाइक जैन, शर्मा, वर्मा, खान एक्सेट्रा। तो कॉमन नेम क्या होता है? जो एक सरनेम से बताया जाता है, जैसे ये सारे। अ सरनेम इज़ ऑल्सो नोन एज अ लास्ट नेम, और सरनेम को हम लास्ट नेम भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सनस नेम इज़ अनिल कुमार जैन। तो अनिल तो क्या है? उसका कंसर्न पर्सन का नेम, जो पर्सन है उसका नाम है। कुमार इज़ हिज कॉमन नेम, कुमार उसका कॉमन नेम है। और जैन क्या है? उसका सरनेम, जो कि क्या है? एक लास्ट नेम। सो
आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. ओके, सो योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.